नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। जहां एक तरफ दलगत राजनीति इस टाइम पे अपने अपने नेता उतार रही हैं और अनेक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को लड़ा रही हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में आ चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं लक्सर विधानसभा, जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। लक्सर विधानसभा में किस तरीके से ये फाइट कर पाएंगी, जहां एक तरफ राजनीति के चलते अनेक पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनके सामने कैसे फाइट कर पाएंगी। तो हमारे साथ रेणु कश्यप जी हैं। जी नमस्कार रेणु कश्यप जी। नमस्कार रेणु कश्यप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, आजाद समाज पार्टी है, आप निर्दलीय मैदान में उतरी हैं, तो किस तरीके से इन पार्टियों को पछाड़ेंगी? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपका वेलकम। आप जो देश का चौथा स्तंभ की संज्ञा आपको दी गई है, तो उम्मीद है कि आप जो मेरी जनता, मेरी आवाज़ बनके मेरा साथ देंगे और आगे जनता तक पहुँचेंगे। रही बात पार्टियों की, तो पार्टियाँ तो आती जाती रहती, पार्टी कोई बात नहीं है, ये पार्टियाँ भी तो हम ही ने बनाई है, हम ही ने इनको खड़ा किया है। जो व्यक्ति होता है, सामने आता है, जो जनता होती है, उसका कोई दल नहीं होता, वही निर्दलीय होता है। ठीक है जी। रही बात सत्ताधारी, अब देखो इतने 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, इसके बाद बीजेपी 10 सालों से लगातार इस विधानसभा बनी हुई है, एक लगातार विधायक बना हुआ है, हम उनको देते आ रहे हैं, कभी कुछ लिया नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया हमें आज तक? हमारे साथ में ना महिलाओं को आगे लेके आते हैं, बस केवल जिस वक्त चुनाव होता है उस वक्त वो खड़े हो जाते हैं वोट मांगने के लिए, पैर पकड़ते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास के नाम पर क्या करते हैं, सड़कें बनवा देते हैं। सड़क क्या, सड़कें बनवाना ही सब कुछ विकास है? हम लोग सारी जो गरीब जनता है, सारा सब लोग टैक्स देते हैं, पूंजीपति वर्ग भी टैक्स देता है, गरीब व्यक्ति भी टैक्स देता है, तो हमें समानता क्यों नहीं है, है ना? तो हम लोग अपने लिए खड़े हुए हैं, अपनी जनता को उठाने के लिए खड़े हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं कि निर्दलीय में कोई शक्ति नहीं होती है, जनता में शक्ति होती है और जनता निर्दलीय ही होती है। जैसे पार्टियों का अपना वोट बैंक होता है, निर्दलीयों के साथ कोई भी वोट बैंक नहीं होता, तो ऐसे में आप किस तरीके से फाइट करेंगे, क्या आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए जन समर्थन पूरा मिल रहा है, क्षेत्र में मैं घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, डोर टू डोर बात कर रही हूँ। लेकिन रही बात समर्थन की और रही बात वोट बैंक की, तो वोट बैंक तो ये कि जो चमचागिरी होती है वो वोट बैंक रहता है। ठीक है, जो निर्दलीय जो ग्रास रूट पे काम कर रहा हो, जो लोगों की समस्या से जूझ रहा हो, जो उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहा हो, और सबसे बड़ी बात मुद्दों का ना थोपना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब आते हैं तो एक बड़ा सा चिट्ठा बना लेते हैं कि अब चुनाव आ गए हैं और हमें ये अपना बायलॉज पास करना है, ये हमें जो है मुद्दे रख देने हैं जनता में, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, हजारों मुद्दे वो बना देते हैं, तो अपने मुद्दे थोप देते हैं, पर हमारे से पूछते नहीं है। जब सामने कोई व्यक्ति अगर बीमार बैठा हो और आप उसको कहो कि उसको सिर के दर्द की दवाई चाहिए और आप ज़बरदस्ती बोलो कि नहीं जी आप ये खाना खा लो, आप ये कर लो, तो क्या करेगा? उसको जो चीज़ चाहिए वो हमें देनी चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें मुद्दे थोपने नहीं है, मुद्दे उनके अंदर से निकालने हैं, उन लोगों की समस्या को दूर करना है, तो हमारा उद्देश्य यही है। आपका क्या एजेंडा रहेगा, आप मतलब लोगों की जन समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए एजेंडा तो हमारा ये है कि एजेंडा तो जनता का है, मैंने आपको पहले बताया एजेंडा जनता का है, हमारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है वो शिक्षा और चिकित्सा का है, शिक्षा और चिकित्सा, क्योंकि दोनों माध्यम ऐसे होते हैं जो हमारी जनता को सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, मूलभूत आवश्यकता है जिसको कहते हैं। अगर शिक्षा अच्छी होती है तो व्यक्ति को अपने हक अधिकार लेने में आसानी रहती है, जब शिक्षा नहीं होगी तो उसे किस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, उसे अपने हक अधिकारों को नहीं पता है और वो ऐसे में क्या शोषित होता रहता है। दूसरा चिकित्सा, चिकित्सा ने आज इतना बड़ा बाजारीकरण कर दिया, इतना व्यापारीकरण कर दिया, आपने कोरोना महामारी देख ली है, लोग चिकित्सा के माध्यम से, क्योंकि इतना महंगा निजीकरण हो चुका है, जब वो प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में जाते हैं 600-600 रुपये में पर्चे बनते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 1000-1200 रुपये उनके टेस्ट होते हैं, तो कहाँ तक हो रहा है? तो उस चीज़ को हमें लेके लोगों को जागरूक करना है, उनके लिए प्रिपेयर करना है और उनके लिए काम भी करना है, हम धरातल पर उनके लिए काम करना है हम लोग जी। तो सुना आपने रेणु कश्यप जी थे जिन्होंने बताया है कि जो सड़कें नाली बनती है वो सिर्फ और सिर्फ योजना है, जो विकास है, असली विकास है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जिनके रास्ते पे चल के ये अपने इस काम को अंजाम देंगी और लोगों के जो समस्या है ज़्यादातर शिक्षा की, क्योंकि अगर जो व्यक्ति शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं देश का विकास आगे बढ़ेगा। तो एक बात और जान लेते हैं रेणु जी से कि रेणु जी अगर जो आप जीत जाती हैं लक्सर विधानसभा से तो कौन सी पार्टी को अपना समर्थन देंगी? देखिए मैं नीतिगत बात करती हूँ और मैं किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करती, पार्टियाँ सब एक जैसी होती है, सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं, मैं भी जीतना चाहती हूँ,
लेकिन मैं नीति की बात करती हूँ, नीतिगत जो सही होगा मुझे वो उचित लगेगा, नहीं तो मैं निर्दलीय काम करूँगी, क्योंकि मैं समाज की बेटी हूँ, इस पूरे समाज की बेटी हूँ, एक समाज की नहीं पूरे, और पूरे समाज के लिए मैं काम कर रही हूँ, सर्व समाज के लिए काम कर रही हूँ, मुझे इसी ग्रास रूट पे काम करना है, इन्हीं के बीच में रहना है, तो उम्मीद है कि मैं इन्हीं के बीच में बना रहना चाहती हूँ। तो आपने सुना रेणुका सिंह जी को कि जो पार्टी नीति रीति में चलेगी उनका मैं समर्थन दूंगी। रेणुका सिंह जी जो निर्दलीय इलेक्शन फाइट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो किस तरीके से आप उनकी टक्कर दे पाओगे? निर्दलीय भी लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, अपना वजूद भी होता है और पार्टी का वजूद अलग होता है। कोई पार्टी अगर दरकिनार हर चीज़ में करती रहेगी तो कोई प्रत्याशी निर्दलीय नहीं लड़ेगा, निर्दलीय लड़ना चाहिए। जब पार्टी कोई साथ नहीं देके चलेगी तो निर्दलीय प्रत्याशी को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि समाज की भलाई जो है बहुत जरूरी है, और इस वजह से निर्दलीय प्रत्याशी जो अच्छे प्रत्याशी होते हैं वो सामने निकल के आते हैं। हमारे साथ कुछ और भी भाई हैं। भाई जी आपका नाम? मैं प्रमोद कुमार कश्यप। मनोज जी, जो आपको समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? हम लगातार बहन जी के फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार बहन जी को कश्यप समाज, सैनी समाज, प्रजापति समाज और वाल्मीकि समाज, लगातार बहन जी को समर्थन मिल रहा है, सभी लोग बहन जी के सपोर्ट में खड़े हैं, लगातार समर्थन दे रहे हैं जी। जी, तो सुना आपने, सर समाज इनके साथ लगा हुआ है, और इसी के साथ ही हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, जो कि कश्यप फाउंडेशन दल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी आज जान लेते हैं हम। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। कश्यप फाउंडेशन दल जो अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारा है रेणु कश्यप जी को, किस वजह से उतारा है, समाज की महिला को क्यों उतारा है? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से पहले तो बता देना चाहता हूँ कि मैं रेणु बहन जी का बहुत हृदय से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी यहाँ उत्तराखंड में मौजूदा जो पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ, सभी ने हमारे समाज को दरकिनार किया है, या वो बीजेपी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई हो, किसी ने जो है टिकट नहीं दिया। इसके बाद बहन जी ने कश्यप समाज का मान सम्मान बढ़ाते हुए खुद चुनाव लड़ने का जो है निर्णय लिया, और हम पूरा कश्यप समाज उनके साथ है, और हमारा जो पूरा कश्यप दल है वो जो है बहन जी को तन मन धन से सपोर्ट करेगा। तो क्या कश्यप समाज के बल पे आप इलेक्शन जीत के आएंगे? केवल कश्यप समाज की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ तो सर्व समाज की बात हो रही है, लेकिन हमारा जो संगठन है, हमारा जो समाज है, वो अलग से जो है सहयोग कर रहा है बहन जी को, यहाँ का सर्व समाज बहन जी को जिता के विधानसभा भेजेगा, इसके सहयोग करने के लिए हमारा जो कश्यप समाज है वो भी जो है बढ़ चढ़ कर आएगा। अभी जैसे पार्टी है, पार्टी में भी बहुत सारे कार्यकर्ता कश्यप समाज से भी हैं, तो किस तरीके से उनको मनाने का काम करोगे आपके निर्दलीय प्रत्याशी के साथ? आप लोगों के मंच के माध्यम से मैं जो है उन लोगों से अपील करना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों में है, वो इस समय पार्टी भी छोड़कर समाज हित में रेणु बहन जी का साथ दें। तो सुना आपने, ये थे कश्यप फाउंडेशन दल के अध्यक्ष अरुण जी, जिनका कहना है कि कश्यप समाज को कहीं भी किसी भी पार्टी में मौका नहीं दिया जाता, इस वजह से इन्होंने अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है लक्सर विधानसभा से, और इन्हें सर्व समाज का साथ मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी भाई जुड़ चुके हैं। जी भाई जी आपका नाम? अमित कश्यप नाम है, और अखिल भारतीय कश्यप महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चे का। जी जी, तो आपने जो कश्यप समाज की महिला को रेणु कश्यप जी को मैदान में उतारा है इलेक्शन विधानसभा से, तो मतलब क्या, क्यों इतना बड़ा निर्णय लिया गया? देखो आपको भी पता है और पूरे प्रदेश भर में सभी को ज्ञात है कि विधानसभा की 70 सीटों पर कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ हो, हमारे समाज को वंचित रखा गया है, और OBC समाज को ना के बराबर जो है प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है, और उसी चीज़ को देखते हुए आज हमने निर्णय लिया है, संगठन ने निर्णय लिया है कि हम रेणु बहन को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो खाली कश्यप समाज ही इनको विजय बनाएगा क्या? नहीं नहीं, ये तो सर्व समाज की बात है ना, देखो कश्यप समाज एक अकेला समाज तो है नहीं जो विधानसभा में बिठा देगा, तो हमें सभी समाज का सहयोग मिल रहा है, और हम गाँव जा रहे हैं, और वहाँ पर जो हमें अलग समाज का, SC समाज का, और जो सैनी समाज का और अदर भी समाज है, तो उनका सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छे से, और उनके सपोर्ट के कारण हम हमारी अपनी बहन को विधानसभा में भेजेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पूरे लक्सर क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं सबका निदान करेंगे। जी, तो सुना आपने, जितनी भी लक्सर क्षेत्र में समस्याएं हैं सबका निदान करेंगी। आज हम पहुंचे थे रेणु कश्यप जी के कार्यालय का उद्घाटन भी था, और सर्व समाज का इनके साथ मिल रहा है, तो यहाँ तक कि जितना भी कश्यप समाज है एक बैनर के तले हो गया है निर्दलीय प्रत्याशी रेणु कश्यप जी के नेतृत्व में। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, अपने कैमरामैन साथी विमल के साथ, धन्यवाद।